What's up YouTube, I am Shubham Chaudhary and I'm back with another video. Friends, आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइव कैसे खेलें और इसकी एक बहुत ही अच्छी ड्रिल बताऊंगा, जिससे आपकी जो ऑन ड्राइव है, ऑफ ड्राइव है, कवर ड्राइव है, इम्प्रूव हो जाएगा. आपका जो पैर निकलने की प्रॉब्लम है वो भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी. इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले है आपका जो बैट का पोजिशन है वो आपको ध्यान रखनी है. कुछ प्लेयर क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा थर्ड मैन की तरफ से बैट को लाते हैं या जो गली है उसकी तरफ से लाते हैं. आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, जब आपको बैटिंग करनी है उस टाइम आपको एक तो अपना बैट जो है बॉडी के क्लोज रखना है और हो सके तो फर्स्ट स्लिप के पास से लाना है. इससे जब आप ड्राइव खेलोगे आपके बैट पैड के नीचे बिल्कुल भी, बैट पैड के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं बनेगा. अगर बैट पैड के बीच में गैप बना तो आप आउट हो सकते हो. अगर ज़्यादा दूर से आपका बैट आएगा तो आपको ऑफ ड्राइव या ऑन ड्राइव खेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि गैप बन सकता है और आपका जो हेड है वो भी गिर जाएगा. क्योंकि बैट दूर से होगा तो आपको बॉल की पोजीशन नहीं समझ आएगी. आप उसे ज़बरदस्ती खेलने जाओगे और आपका हेड गिरेगा तो आप LB और बोल्ड हो सकते हो. पर इससे जब आप खेलोगे तो आप कंट्रोल में रहोगे. फिर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपका जो बैट की ग्रिपिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको ज़्यादा टाइट होल्ड नहीं करना. ये जो आपका बॉटम हैंड है इसे सिर्फ आपको एक सपोर्ट के लिए रखना है और अपर हैंड का ज़्यादा रोल है. और आप हमेशा सिंगल हैंड खेल के देखना, आपको ये टाइट रहना चाहिए. जब आप शॉट खेलो तो बैट हिलना नहीं चाहिए. कुछ प्लेयर क्या करते हैं, जब वो शॉट खेलते हैं तो उनका बैट हिल जाता है. इससे क्या है, ड्राइव मारने में दिक्कत होगी. मार तो दोगे और बॉल बाउंड्री तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि बैट शॉट में वो पावर नहीं आ पाएगी. पावर जब आती है जब आपका अपर हैंड जो टॉप हैंड है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए. फिर इसमें एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, आपकी ग्रिपिंग. मैंने आपको पहले ही बताया वी शेप में आपको बैट पकड़ना है. ये जो आप देख सकते हो जो बैट का पिछला हिस्सा है, ये जो लाइन होती है, आपको यहाँ से जो आपका राइट हैंड है मतलब बॉटम हैंड है ये ऐसे होगा बिल्कुल, और फिर ये इसके ऐसे होगा. थोड़ा सा ऐसे भी चल सकता है, पर अगर ज़्यादा ऐसे करोगे तो उसमें दिक्कत है, उसमें फिर ड्राइव नहीं लग पाएगा. क्योंकि बैट जो है एक तो ज़्यादा ओपन हो जाएगा, जब आप खेलोगे तो बॉल गली वगैरह में कैच जा सकती है. तो आप थोड़ा सा, मैं दिखाता हूँ, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरा ऐसे है बैट, जब मैं बैट को होल्ड करता हूँ या जब लिफ्ट करता हूँ तो ये वी हो जाता है बिल्कुल. आप थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हो जाता है. पर अगर ज़्यादा ऐसे करोगे तो उसमें दिक्कत है, उसमें आप ड्राइव नहीं खेल पाओगे. मैं दिखाता हूँ, अगर मैं ड्राइव खेलूँगा तो जो मेरा बैट का फेस है वो खुल जाएगा. बैट का फेस खुलने से क्या प्रॉब्लम है, बॉल स्लिप वगैरह में या गली वगैरह में बहुत ज़्यादा जाएगी, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा. मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, जब मैं ड्राइव खेलूँगा तो मेरा बैट का जो फेस है वो पहले ही ओपन रहेगा. कवर ड्राइव खेलने में या ऑफ ड्राइव ऑन ड्राइव खेलने में क्या होना चाहिए, बैट का फेस बिल्कुल सीधा होना चाहिए. अगर बैट का फेस सीधा होगा, वो कब सीधा होगा, अगर आपका बैट को पकड़ने का तरीका बिल्कुल सही होगा. कुछ प्लेयर बहुत दूर से पकड़ते हैं, जैसे आप देखते हो फाफ डुप्लेसी बहुत दूर से पकड़ते हैं. कुछ प्लेयर कर सकते हैं, पर 90% या 99% कोचिज यही बोलते हैं कि आपके जो दोनों हाथ हैं वो बिल्कुल पास होने चाहिए. दूर दूर होते हैं तो वो बहुत दिक्कत होती है उन्हें खेलने में. कुछ प्लेयर खेल लेते हैं क्योंकि वो बचपन से ही उसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, पर आपको हाथों को पास ही रखना है. और इसमें आप एक ड्रिल क्या कर सकते हो जो आपकी बैटिंग को बिल्कुल इम्प्रूव कर देगी, आपको सिंगल हैंड ड्राइव की प्रैक्टिस करनी है आपके अपर हैंड से. इससे आपको ड्राइव खेलना कोई दिक्कत नहीं है, बॉल हवा में जा रही है या पॉइंट की तरफ जा रही है, पर जानी ऑफ में ही चाहिए और शॉट ऑफ स्टंप पे ही रहना चाहिए. आपका जो बैट है वो बिल्कुल ऑफ में रहना चाहिए, बॉल ऑन पे नहीं जानी चाहिए. आपको इधर ही खेलना है, कोई बात नहीं, एज भी लगेगी शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं है. पर आपको ध्यान रखना है आपको ऑफ स्टंप पे ही खेलना है. बॉल आपके, जब आप पैर निकालो तो पैर आप बॉल के बाहर ही निकालो ऑफ में. कभी भी आपको ध्यान रखना है अंदर नहीं निकालना, कि बॉल इधर टप्पा खा रही है और आपका पैर ऐसे जा रहा है, फिर आप कैसे खेल रहे हो. ये कोई शॉट नहीं हो पाएगा, एक दो शॉट लग जाते हैं पर फिर आप आउट हो सकते हो. पर आपको प्रैक्टिस इधर की करनी है, आप चाहे नीचे से पकड़ लो बैट को या ऊपर से पकड़ लो, और ऐसे ही आपको ड्राइव की प्रैक्टिस करनी है. इससे क्या होगा, आपके जो अपर हैंड है, जो आपका लेफ्ट हैंड है, इसमें पावर आ जाएगी. पावर जितनी होगी, और ये फिर आप सिर्फ सपोर्टिंग रोल के लिए रखोगे, और जब कवर ड्राइव मारोगे तो बॉल ही बहुत ही तेज जाएगी और आपको आराम से चौका या सिंगल वगैरह मिल सकता है. या अगर आप अच्छे से टाइमिंग भी कर दोगे, फास्ट बॉलर पर लिफ्ट कर दोगे, तो बॉल 6 रन पे भी जा सकती है. अब मैं आपको ड्रिल करके दिखाता हूँ कि आपको ड्रिल क्या करनी है.
तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सेम अकाउंट है शुभम क्रिकेट अकेडमी।